वो बहुत सारी निकाल चुके हैं, कभी ये यात्रा वो यात्रा, उसमें सब कुछ है, उसमें संसाधन है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर है, भाषण नेता है, ये पब्लिक नहीं है। जो यात्रा निकल रही है इसमें इतना खिंचाव हो चुका है और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, अब पब्लिक समझदार हो गई ना, 4.5 साल तो भाजपा ने विपक्ष भूमिका निभाई नहीं, अब जब चुनाव आ गए हैं तो वोट बटोरने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उन यात्राओं में जिस प्रकार से जन समर्थन का अभाव है, ये मैं समझता हूँ असलियत को दिखाता है कि धरातल पर कहाँ भाजपा कहाँ कांग्रेस है। फिर कह रहा हूँ बार बार आपको, कांग्रेस पार्टी का, हमारे सरकार का, पार्टी का जो हमारा काम रहा उसको देखकर हम लोग दोबारा यहाँ सरकार बनाने के राजी हैं। तो कांग्रेस तो रिपीट हम करेंगे, 25 साल से नहीं कर पा रहे हैं, इस बार हम लोगों ने प्रण लिया, सब लोग मिलकर काम करेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। भाजपा के अंदर ना तो उनका कोई मुद्दा है, और सिर्फ विवादित बयान देकर लोगों के अंदर तनाव पैदा कर कर आपस में लड़वा कर वोट लेने की जो आदत है उसे अब दुनिया उब चुकी है। और कभी नाम बदलने की बात करते हैं, कभी आप कटाक्ष करते हैं, कभी आप बुराइयां करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, लेकिन धरातल पर जो काम हुआ रहा 9 साल में उसका आकलन जनता नहीं करेगी क्या? क्या महंगाई का हाल है, क्या बेरोजगारी का हाल है, किसान परेशान, नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं और लड़े जाने भी चाहिए। लेकिन भाजपा की कोशिश रहती है कि धर्म का, मजहब का, जुबान का, इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करे। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और कल निश्चित रूप से, राहुल जी अभी आए थे राजस्थान के दौरे पर, एक बहुत बड़ी उन्होंने सभा को संबोधित किया था, प्रियंका जी कल आ रही हैं, लगातार और नेता भी लोग आएंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। बहुत बढ़िया जगह है निवाई, बहुत अच्छी जगह है, इसे रखा कल निवाई में प्रियंका जी का कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि चुनाव बहुत करीब है और हमारी पार्टी का, संगठन का ये मानना है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं और उनका जो कल कार्यक्रम होगा बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। जिले में, जिले के आसपास से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, कुछ कार्यक्रम में वो भाग लेंगी, उनका उद्बोधन यहाँ पर होगा और तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और जोश है और प्रियंका जी ने जहाँ जहाँ सभाएं करी हैं वहाँ पार्टी को बहुत लाभ मिला है और आने वाले जो 3 महीने बाद चुनाव होंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसका एक तरह से जो हमारा मूवमेंट है वो और बन चुका है, कल की सभा से उसको और गति मिलेगी ऐसा मैं मानता हूँ।